हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवशयनी ग्यारस का काफ़ी महत्व माना जाता है। इस दिन विष्णु जी चार महीनों के लिए सो जाते हैं और इसी के साथ सभी शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन होता है। इस साल ये दिन 12 जुलाई को आ रहा है। इस दिन मान्यता है कि भगवान विष्णु को निमित्त मानकर व्रत रखा जाता है, साथ ही इस दिन विष्णु जी का पूजन भी पूरे विधि विधान से किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन से चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। पुराणों में देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक कथा भी है जिसमें बताया गया है कि विष्णु जी चार महीने के लिए सोने चले जाते हैं। कुछ सलाहकार पंडितों का कहना है कि जो भी इस एकादशी का व्रत पूजन और सच्चे मन से प्रार्थना करता है उनकी भगवान विष्णु से मांगी हुई हर मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। देवशयनी एकादशी पर भगवान नारायण की ऐसी मूर्ति जिसमें चारों भुजाएं, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो, उसे पीले वस्त्र पहनाकर मूर्ति के आकार के अनुसार सुंदर पलंग पर लिटाकर पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन करें और इस दिन भूल से भी इन कामों को ना करें। एकादशी के दिन किसी पेड़ पत्ती की फूल पत्ती नहीं तोड़ना है। इस दिन अशुभ माना जाता है, शास्त्रों में भी इसे वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन लहसुन प्याज का सेवन करना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है, ऐसा करने पर दोष लगता है। एकादशी के दिन उपवास का काफ़ी महत्व होता है। इस दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन बिस्तर पर सोना वर्जित माना गया है, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन मांस और नशीली वस्तुओं का सेवन करना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.